खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HKA न्यूज में खैर मकदम है। बतारीख 23 फरवरी को बिदर डिस्ट्रिक्ट के हुलसूर तालुका में एक बहुत बड़े पैमाने पर इकबाल पटेल प्राइमरी एंड हाई स्कूल की जानिब से एनुअल कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर हैदराबाद के अनवर उल्ला हुसैनी साहब और हुलसूर मत के शिवानंद महास्वामी और तमाम लोग और पेरेंट्स भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते। इस मौके पर इकबाल पटेल प्राइमरी एंड हाई स्कूल, जो कि हुलसूर तालुका में अव्वल दर्जे पर बेहतरीन तालीम फराहम करता है, इस स्कूल में यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई और तरबियत फराहम की जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल फैयाज पटेल साहब और बेहतरीन पैमाने पर स्कूल चला रहे हैं और ये स्कूल से सरपरस्त और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश व मुतमईन हैं। स्कूल के प्रिंसिपल फैयाज पटेल और आए हुए मेहमानों का यहाँ पर वालेहाना तरीके से गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब नम संस्थे कार्यदर्शि इकबाल पटेल आस्पत्र वैद्याधिकारी अपने पिता के उस गुस्से को समझिए, वो गुस्सा नहीं बल्कि अपने
सभी हमारे बीके नाइन न्यूज लाइव मीडिया, एचके न्यूज लाइव मीडिया, 24/7 कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना मैं आपका जर्नलिस्ट सूर्यवंशी। अभी हम हुलसूर तालुके में आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ इकबाल पटेल स्कूल को यहाँ पर जो मुर्शेद जी का विजिट होगा था, इस संदर्भ में अभी हमारे बीके नाइन न्यूज एचके न्यूज से लाइव आ रहे हैं मुर्शेद जी। तमाम हिंदुस्तानियों से दो मिनट और कर्नाटक का ये नया बनने वाला ताल्लुका हुलसूर, अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल पटेल एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू बे इंतहा कामयाबी और कामरानी के साथ काम कर रहा है। जितने तलबा मैट्रिक में हिस्सा लेते हैं सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह पास होते हैं। 100% पास होने वाली इदारा होते होते छोटे पैमाने पे शुरू हुआ और आज मैट्रिक भी हो गई, फिर जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहला ब्याज आ गया। अब इस लिहाज से इंसान में और हैवान में अगर कोई चीज़ तमीज़ करने वाली है तो वो एजुकेशन है, तालीम है। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसानियत तक पहुंचाती है, उसमें औसाफ़ इंसान पैदा कराती है। तो हम तमाम की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इल्म हासिल करने से हमेशा चुस्त और चालाक रहना चाहिए, हर लिहाज से इल्म को हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इल्म से और इल्म हासिल करने से बे इंतहा इश्क पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, जस्तजू पैदा करे, सब कुछ बर्दाश्त करिए, मगर इल्म के मैदान में इल्म अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप बर्दाश्त न कीजिए। हर लिहाज से आप कमर बस्ता हो जाइए, मजदूरी कीजिए, अखबार बेचिए, चाय बेचिए, मगर एजुकेशन हासिल कीजिए। सलाम अलैकुम। यहाँ मैं एक पेरेंट्स हूँ, मेरा बच्चा 9th क्लास को पढ़ता है। यहाँ इतना क्वालिटी एजुकेशन है, हमारे ग्रामीण एरिया में इकबाल पटेल एक नंबर पे चल रहा है। सब पेरेंट्स लोग यहाँ पे बहुत खुश है। मैं फया सर का मैं मेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर गरीब किसान बच्चों को इतना क्वालिटी शिक्षण दे रहे हैं। आज यहाँ कई टीचर्स है, आज मेरे बच्चे का क्लास टीचर आजरामर मैम है, इतनी होशियार, इतनी ब्रिलियंट है, हर बच्चे को इतना इंटेलिजेंट बना रहे। यहाँ के बच्चे साइंसिस्ट, यहाँ के बच्चे MBBS 100% हर क्लास में होंगे। मैं इतना सभी हमारे बीके नाइन न्यूज लाइव मीडिया चैनल, एचके न्यूज लाइव मीडिया, 24/7 कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना में आपका जर्नलिस्ट सूर्यवंशी। जैसा कि हम बीदर जिले के हुलसूर तालुके के सुप्रसिद्ध स्कूल है इकबाल पटेल मेमोरियल हाई स्कूल के अध्यक्ष माननीय श्री फयाज पटेल साहब अभी हमारे बीके नाइन न्यूज एचके न्यूज से लाइव आ रहे। देखते रहिए बीके नाइन न्यूज एचके न्यूज, हर कदम हर वक्त आपके साथ। हमने हुलसूर में 2011 और 12 में इकबाल पटेल प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया था, जो कि हमारा इंटेंशन था कि भाई हमारे इकबाल पटेल जो है हमारे बड़े भाई साहब का नाम, जो कि बेलूर में एक गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर थे, उनका एक्सीडेंटली डेथ होने के कारण हमने ये स्कूल का नाम उनका मैरिज नहीं हुआ था, उस इसलिए क्या है उनका एक नाम रोशन रहना बोल के ये स्कूल का फाउंडेशन किया, जो कि हमारा इंटेंशन ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, हमें पैसा कमाना, ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था हमारा। हमने दिलो जहाँ से ये नाम को किसी भी तरह का धब्बा नहीं आना, और हमारे इकबाल पटेल फाउंडेशन में जो भी हॉस्पिटल चल रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, प्राइमरी चल रहा है, हाई स्कूल चल रहा है, और PUC से एक महीने दिन PU कॉलेज चल रहा है, और कुछ ही दिनों में पैरामेडिकल कॉलेज भी हम लोगों ने अप्लाई किया है, शॉर्टली वो भी हो जाएगा। हमारी नीयत इतनी है कि भाई मैक्सिमम गरीब से गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से दिया जाता, एक लोगों को एक हमें कैसा दिया जाता उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अब ऑलरेडी क्या है, 2 साल से हमारे सोसाइटी में चिड़गुप्पा, हमनाबाद, भालकी, बीदर रेजिडेंशियल एडमिशन्स नियर अबाउट हमारे पास 82-85 हॉस्टल एडमिशन्स हैं, उसमें एक 50 स्टूडेंट्स आउट ऑफ हुलसूर और बसवकल्याण तालुके के अलावा बचे हैं,
जो कि हमारे तालुका या हलसूर और बसुकल्याण तालुके के अलावा भी क्या है, दूसरे तालुके के बच्चे भी हमारे पास हमारे तरफ रुख कर रहे हैं। वो उसकी वजह यह है कि हमारा निस्वार्थ सेवा, हमारा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देके हमारे तरफ स्टूडेंट्स आने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट हमें हमारे स्कूल की तरफ और हमारे सोसाइटी की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या है, नियर अबाउट ओवरऑल 1000 स्ट्रेंथ है हमारा और अप टू पीयूसी तक है सर। हाँ, और हमारे स्कूल के कैंपस का सभी तरह का सिस्टमेटिक और कैंपस वगैरह देख के हमारे तालुके के जो शिक्षण बीओ हैं वो सभी अधिकारी लोग मिलके क्या है, हमारे पास एक एसएसएलसी का एग्जाम सेंटर तक इस साल हमारे पास ही अलॉटमेंट की है, जो कि कैंपस के फीचर्स देख के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट एनवायरनमेंट है और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो सकते हैं बोल के डिपार्टमेंट ने एग्जाम सेंटर बोल के अलॉटमेंट किया। यानी कि इस साल 10th का हलसूर तालुके का रिव्यू लिए हमारा आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं। और ऐसे ही आप सभी लोगों का प्यार मोहब्बत हमारे साथ जुड़ा रहे। हमारे पेरेंट्स यहाँ पे विजय कुमार पाटिल बोल के आए हुए हैं, उनका रिव्यू आप देख सकते हैं।